लालू कौवा सुंदरी कौवी को बिहा कर अपने घर ले आता है। सुंदरी बहू, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ। तुम्हारी माँ ने दहेज में हमें कुछ भी नहीं दिया। मेरे बेटे की जिद की वजह से मेरे बेटे की शादी मजबूरन तुमसे करवानी पड़ गई मुझे। माँ, अभी अभी तो ये घर आई है, क्यों इसे आते ही ताने मार रही हो? इसके कदम घर में क्या पड़ गए कालू, तू तो अपनी माँ से जबान लड़ाने भी लग गया। माँ, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। मैं तो बस तुम्हें ये कहना चाहता था कि ये अभी तो अभी घर आई है, क्यों इसे दहेज के बारे में पूछ रही हो? कालू जी, आप माँ जी से इस तरह से बात मत कीजिए। तू चुप हो जा सुंदरी बहू, तेरे कदम इस घर में पड़ते ही माँ बेटे में झगड़ा शुरू हो गया, न जाने और क्या क्या होगा। इतना कहकर कालू की माँ वहाँ से चली जाती है। सुंदरी, तुम मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानो, ये थोड़ी सख्त है मगर दिल की बहुत अच्छी है मेरी माँ। जी कालू जी। अगली सुबह सुंदरी कौवी पकोड़े बनाकर अपनी सास को दे देती है। माँ जी, मैंने आपके लिए पकोड़े बनाया है, ये लीजिए। कालू की माँ पकोड़ों को खाने लग जाती है। छी छी छी, कितने बेकार पकोड़े बनाए हैं तूने, इन पकोड़ों को खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। क्या यही सीखकर आई है तू अपने मायके से? माँ जी, अगर आपको पकोड़े अच्छे नहीं लगे हो तो आप मत खाइए, मैं और कालू जी खा लेंगे। कालू जी को मैंने सब्जी मंडी भेजा है, वो अभी आते ही होंगे और हम दोनों मिलकर बैठकर खाएंगे पकोड़े। इतना कहकर सुंदरी कौवी रसोई घर में चली जाती है। कल तक तो ये खामोश थी, आज अचानक इसके पर कैसे निकल आ गए। कुछ ही देर में कालू कौवा भी सब्जी मंडी से घर आ जाता है। कालू के घर आते ही सुंदरी कौवी कालू को पकोड़े दे देती है। कालू जी, ए लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े, मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। पकोड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है सुंदरी, लगता है पकोड़े बहुत स्वादिष्ट बने हैं। तू तो ऐसे तारीफ कर रहा है अपनी पत्नी की जैसे मैंने तुझे कभी भी पकोड़े बनाकर खिलाए ही नहीं है। मेरी सहेलियां बिल्कुल ठीक कहते हैं, जब बेटे की शादी हो जाती है ना, वो अपनी माँ को भूल जाते हैं। इतना कहकर कालू की माँ वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह रही हूँ, आपकी माँ बहुत झगड़ालू है। सुंदरी, मेरी माँ झगड़ालू नहीं है। ऐसी बात है तो ये पकोड़े खाकर बताइए कि कैसे बने हैं ये पकोड़े। कालू कौवा पकोड़ों को खा लेता है और सुंदरी से कहने लगता है। पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं सुंदरी, लगता है तुम्हारे हाथों में जादू है। क्या आप जानते हैं कालू जी, आपकी माँ ने इन पकोड़ों को खाकर क्या कहा है मुझे? क्या कहा सुंदरी? माँ जी कह रही थी, छी छी छी, कितने बेकार पकोड़े बनाए हैं तूने, इसे खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया है, ऐसा कहा है आपकी माँ ने मुझे। इतना कहकर सुंदरी कौवी भी वहाँ से चली जाती है। अरे भगवान, मैं कहाँ फंस गया, माँ की तारीफ करूँगा तो बीबी को गुस्सा आता है, बीबी की तारीफ करूँ तो माँ को गुस्सा आता है। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा परेशान हो जाता है और कालू कौवा अपने दोस्त बबलू के पास जाता है। अरे कालू, तेरी शादी कल हुई है ना, आज तू घर से बाहर आ गया, जा कालू घर जा, कुछ समय अपनी पत्नी के साथ गुजार। बबलू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे घर में शांति नहीं मिल रही है। क्या हो गया कालू, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं तुम्हें क्या बताऊं बबलू, जब से मेरी शादी सुंदरी कौवी से हुई है ना, माँ सुंदरी को कुछ ना कुछ ताने मारती ही रहती है और सुंदरी को गुस्सा आ जाता है और सुंदरी भी उल्टा जवाब दे देती है माँ को, इन दोनों की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ बबलू। अरे कालू, तू तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है यार, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है कालू, तू ना अपनी माँ को और अपनी पत्नी को बाहर घुमाने ले जा और उन दोनों को खुश रखने की कोशिश कर। तू
और अपनी माँ को बनारसी साड़ी दिला और अपनी पत्नी को एक अच्छा सा गाउन दिला। फिर तू देख कालू वो किस तरह से अपने घर में खुश रहते हैं। मैं जानता था बबलू तू इसका उपाय जरूर मुझे कुछ ना कुछ देगा, इसलिए मैं तेरे पास आ गया था। मैं अभी जाकर उन दोनों को घुमाने ले जाता हूँ ताकि वो दोनों शांत रहे और मेरा दिमाग भी शांत रहे। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा मार्केट जाकर अपनी माँ के लिए बनारस की साड़ी और अपनी पत्नी के लिए गाउन लेकर अपने घर चला जाता है। माँ ये देखो ना, मैं तुम्हारे लिए बनारस की साड़ी लेकर आया हूँ और सुंदरी तुम्हारे लिए मैं गाउन लेकर आया हूँ। कालू बेटा, इससे पहले तो तूने मेरे लिए कुछ भी खरीद कर नहीं लाया, अब अचानक से बनारस की साड़ी लेकर आ गया, वो भी अपनी माँ के लिए। वो कह रहा है कालू, सीधे सीधे से जवाब देना, क्यों मेरे लिए बनारस की साड़ी लेकर आया है तू? माँ जी वो कितने प्यार से लेकर आए हैं आपके लिए साड़ी, क्यों आप उन्हें सवाल जवाब पूछ रही हैं? चुपचाप ले लीजिए ना। थैंक यू सो मच कालू जी। कालू मैं तुझे थैंक यू कुछ भी कहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू मेरे लिए बनारस की साड़ी क्यों लेकर आया है। तुझे अपनी पत्नी को गाउन जो देना था, अगर सिर्फ इसी के लिए तू गाउन लेकर आएगा तो मैं बुरा मान जाऊंगी, इसीलिए तूने मेरे लिए भी बनारस की साड़ी ले आ गया। माँ जी आप बात को कहां से कहां तक ले जा रही हैं? आपका कहने का मतलब क्या है कि मेरे पति मुझे तोहफे देने से पहले आपकी इजाजत लेनी होगी या फिर आपको भी तोहफे देने पड़ेंगे? देख रहा है तू कालू कितनी जबान चल रही है इस सुंदरी कवि की, इसीलिए मैंने तुझे कहा था कि ये कवि तेरे लिए ठीक नहीं है। माँ जी आप मुझसे इतना ही नफरत करती हो तो क्यों कालू जी को मेरे साथ शादी होने दिया आपने? न जाने मेरे बेटे ने ऐसा क्या देख लिया था तुझ में, जो जिद कर बेटा अगर शादी करूँगा तो सुंदरी कवि से ही करूँगा, वरना कुआरा मर जाऊँगा। कालू जी माँ जी इतना कुछ सुना रही है मुझे और एक आप है चुपचाप दीवार की तरह खड़े हो। तुम दोनों का झगड़ा खत्म होगा तो मैं बात करूँगा ना, जब भी तुम दोनों मुंह खोलते हो झगड़ा करने के लिए ही अपना मुंह खोलते हो। तुम दोनों का रोज रोज का झगड़ा और ताने सुन सुन कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने सोचा था कि आज तुम दोनों को कहीं घुमाने ले जाऊंगा। वाह बेटा वाह, आज तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाने वाले थे, इससे पहले तो तुमने मुझे एक बार भी घुमाने नहीं ले गए। पत्नी के आते ही तुम इतना बदल जाओगे मैंने सोचा नहीं था कालू। सास बहू की तू तू मैं सुनकर कालू कौवे को चक्कर आने लग जाते हैं और कालू कौवा बेहोश हो जाता है। तुम दोनों चुप हो जाओ। देख डायन तेरी वजह से मेरा बेटा चक्कर खाकर नीचे गिर गया। अरे सासू माँ मुझे ताने मारने छोड़, पहले अपने बेटे को पानी लाकर मार उसके मुंह पर। सॉरी सासू माँ, मेरा मतलब पानी लेकर आइए माँ जी। फिर कालू की माँ अपने बेटे कालू को पानी छिड़क देती है। उठ जा कालू बेटा उठ जा। कालू कौवा जाग जाता है और कहने लगता है, माँ सुंदरी प्लीज आप दोनों झगड़ा बंद कीजिए, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। कालू बेटा तू टेंशन मत ले, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी, फेविकिक लगाकर अपना मुंह चिपका लूंगी। कालू बेटा तू टेंशन मत ले। माँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप ना फेविकिक लगाकर अपनी जबान बंद कर लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। सुंदरी की बातें सुनकर कालू कौवे की माँ को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कालू की माँ कुछ कहती कालू कौवा कहने लग जाता है, सुंदरी प्लीज अपनी जबान बंद कर लो, मुझे तुम दोनों की बातें नहीं सुननी है, आप प्लीज अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा अपने कमरे में चला जाता है।
कालू कौवे के पीछे पीछे सुंदरी कौवे भी चली जाती है। कालू की माँ मन ही मन सोचती है, जब से ये सुंदरी कौवे मेरे घर में आई है हर रोज झगड़े हो रहे हैं। लगता है इस सुंदरी के कदम इस घर में शुभ नहीं है, इसीलिए हर रोज कलश हो रहा है मेरे घर में। न जाने और क्या क्या देखना पड़ सकता है मुझे इस घर में। अगर कालू मेरी बात मान लेता तो ये नौबत नहीं आती। न जाने मेरे बच्चे की जिंदगी में क्या लिखा है भगवान ने। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू के घर बुलबुल और रानी चिड़िया आते हैं। माँ जी, कालू भैया बता रहे थे कि सुंदरी भाभी बहुत सुंदर है, इसीलिए हम सुंदरी भाभी को देखने आ गए। जरा हम भी देखें कालू की पत्नी कैसी है, बहुत तारीफ करता है कालू कौवा अपनी पत्नी की। कालू उसे बाहर घुमाने ले गया है, वो कोई सुंदर उंदर नहीं है। न जाने मेरे बेटे पर ऐसा क्या जादू कर दिया है उस सुंदरी कवि ने, जो हर समय अपनी पत्नी का गुणगान गाता रहता है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है अपनी बहू के बारे में। ऐसा ना कहूँ तो क्या कहूँ उसके बारे में रानी चिड़िया। मैं उस कवि की सास हूँ, अगर मैंने उसे कुछ बोल भी दिया तो उसे मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैं उसकी सास हूँ। मगर वो सुंदरी कवि मुझे अपनी सास मानती नहीं है, वो मेरी सारी बातों का जवाब उल्टा ही देती रहती है। रानी चिड़िया, तुम्हारी भी शादी हो गई है ना, क्या तुम भी अपनी सासू माँ से उल्टा जवाब देती हो। रानी चिड़िया कालू की माँ को कोई भी जवाब नहीं देती। चुप क्यों हो गई रानी चिड़िया, बता ना, क्या तू भी अपनी सासू माँ को उल्टा जवाब देती है। माँ जी, मेरी सासू माँ मेरी माँ जैसी है, मैं उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती। मैं जानती थी रानी कि तू अपनी सासू माँ को कभी भी उल्टा जवाब नहीं देती, मगर मेरी बहू सुंदरी मेरी सारी बातों का उल्टा ही जवाब देती है। रानी चिड़िया, इसीलिए तो मैं उसके साथ झगड़ा करती रहती हूँ ताकि वो सुधर जाए, मगर वो कभी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर वो आज मुझे उल्टा जवाब देगी तो आगे जाकर उसके बच्चे भी मुझे उल्टा जवाब ही देंगे। रानी चिड़िया, आप तो बात सही कह रही हो माँ जी, आप बिना झगड़ा किए ही सुंदरी कवि को समझा सकती है ना। बुलबुल, तूने वो कहावत तो सुनी होगी ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सुंदरी भी कुछ वैसी ही है। माँ जी, आप अपनी बहू सुंदरी से झगड़ा मत किया कीजिए, मैं बात करती हूँ कालू भैया से। ठीक है रानी, मैं सुंदरी के साथ झगड़ा नहीं करूँगी। और हाँ रानी चिड़िया, मुझे ये भी पता है कि तुझे कालू कौवे ने ही भेजा है मेरे पास बात करने के लिए। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सुंदरी को देखने आई थी, अभी मैं चलती हूँ माँ जी। इतना कहकर रानी चिड़िया और बुलबुल वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर कालू और सुंदरी झरने के पास बैठकर बातें कर रहे थे। कालू जी, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ बात कहना चाह रही थी, अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो मैं आपसे वो बात कहना चाहती हूँ। बोलो ना सुंदरी, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगा। कालू जी, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक अलग घर में रहें? ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुंदरी, अलग घर इसका मतलब क्या हुआ? कालू जी, मैं आपको घुमा फिरा कर बातें नहीं करूँगी, मुझे आपकी माँ के साथ नहीं रहना है, हम आपकी माँ से अलग हो जाते हैं। सुंदरी, मेरी बूढ़ी माँ अकेली कैसी रहेगी, कैसे जिएगी, क्या खाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुंदरी, मेरी माँ ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है, सुंदरी मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ आ नहीं सकता, मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता सुंदरी। अगर आपकी यही इच्छा है तो आप मेरी भी बात कान खोल कर सुन लीजिए कालू जी, अगर आप अपनी माँ से अलग नहीं होंगे तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना भी जी नहीं सकता। तो
तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते अपनी माँ को कालू जी? देखिए कालू जी, मैं आपको एक हफ्ते का समय देती हूँ। अगर आपने मुझे खुद आकर बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ तो फिर ठीक है, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। सुंदरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और बुढ़ापे में मैं उन्हें छोड़कर जाऊंगा तो जंगल के पक्षियाँ मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जिसे जो सोचना है वो सोचे कालू जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। ये भगवान, ये सुंदरी मुझे क्या करने को कह रही है? ना मैं इसे छोड़कर रह सकता हूँ, ना अपनी माँ से अलग हो सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ भगवान? कालू कौवा भी उदास होकर वहाँ से उड़ जाता है। कालू कौवा उदास होकर उड़ रहा था। कालू कौवे को रानी चिड़िया और बुलबुल देख लेते हैं। वो देखो बुलबुल, कालू भैया कितने उदास दिख रहे हैं। हाँ रानी, कालू का चेहरा देखकर तो लग रहा है उसके चेहरे पर 12 बज गए हैं। जरूर कुछ हुआ है, चल जाकर उसी से पूछ लेते हैं। कालू, अरे वो कालू, जरा रुको तो सही। कालू कौवा बुलबुल की आवाज सुनकर एक डाली पर बैठ जाता है। कालू, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? क्यों इतना उदास है तू? क्या हो गया है तुझे? कालू भैया, आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है? मेरी परेशानियां तुम्हें कैसे बताऊं रानी चिड़िया और बुलबुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कालू भैया, हम तुम्हारी बहनें जैसी हैं, हम आपकी बातें समझ जाएंगे। आप हमें एक बार अपनी परेशानियां बताकर तो देखिए। मेरी पत्नी सुंदरी मुझे मेरी माँ से अलग करना चाहती है। वो चाहती है मैं और सुंदरी एक अलग घर में रहे, माँ से दूर। अभी तुम ही बताओ रानी चिड़िया, मैं अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर कैसे जाऊँगा? मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी? ऐसा भी दिन आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था रानी चिड़िया। शादी से पहले मैं कितने सपने देखे थे मेरी माँ के बारे में। बुढ़ापे में मेरी माँ को मैं आराम से रखूँगा, हर दिन यही सोच रहा था। लेकिन आज ऐसा दिन आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। जब इनकी बहू आएगी तो सारा घर संभालेगी, मगर ये तो सब उल्टा ही हो रहा है रानी चिड़िया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, इस परेशानी को कैसे सुलझाऊँ? अरे चिड़िया, कालू की माँ तो बिल्कुल सही कह रही थी कि वो सुंदरी कवि बहुत चालाक है। देख तो सही, माँ और बेटे को दूर करना चाहती है। कालू, तू ना एक काम कर, तू अपनी पत्नी को मार मार कर एक कमरे में बंद कर दे। जब तक वो ये जिद नहीं छोड़ देती, तू उसे उसके कमरे से बाहर ही मत निकाल। नहीं बुलबुल, कालू भैया ऐसा करेंगे तो उनकी परेशानियां दुगनी हो जाएगी। तो फिर तू क्या चाहती है रानी, कि अपनी पत्नी की बात मानकर कालू अपनी माँ को छोड़ दे और जोरू का गुलाम बन जाए? बुलबुल, मैंने ऐसा कब कहा कि कालू भैया माँ जी को छोड़कर सुंदरी के साथ चले जाए? कालू भैया, आपकी शादी होकर अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं। अगर आप सुंदरी बहन के साथ कुछ भी बुरा व्यवहार करोगे तो शायद वो आपको छोड़कर चली जाएगी। आप दोनों के रिश्ते की डोर बहुत कच्ची है कालू भैया। आपको जो भी फैसला लेना होगा बहुत सोच समझ कर लेना होगा। अगर आप अपनी माँ को चुनोगे तो आप अपनी पत्नी को खो दोगे। अगर अपनी पत्नी को चुनोगे तो अपनी माँ को खो दोगे कालू भैया। जानता हूँ चिड़िया, मैं उन दोनों के बिना भी नहीं जी सकता। कालू भैया, मेरे पास एक प्लान है, जैसा मैं कहती हूँ बस आप वैसा करते जाइए। प्लान? कैसा प्लान रानी चिड़िया? रानी चिड़िया कालू कौवे को प्लान बताने लग जाती है। तुम्हें क्या लगता है रानी चिड़िया, क्या इस प्लान से वो दोनों सुधर जाएंगे? कोशिश करने में हर्ज क्या है कालू भैया, अगर ये प्लान नहीं काम करेगा तो हम दूसरा प्लान बना लेंगे। तो फिर ठीक है रानी चिड़िया, जैसा तुम्हें कहा है मैं वैसा ही करता हूँ। अभी मैं चलता हूँ रानी चिड़िया।
चाचा कालू ऑल द बेस्ट विजय भव। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधे अपने घर जाता है। माँ, क्या आपने खाना खा लिया और अपनी दवाइयाँ ले ली? हाँ कालू बेटा, मैंने खाना भी खा लिया और दवाई भी ले ली। माँ, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी कालू, जल्दी बता। ओ माँ, मैं सुंदरी से अलग हो रहा हूँ। उसे मैं उसके मायके छोड़कर आऊँगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी माँ कि सुंदरी मेरे लायक नहीं है। कालू की सारी बातें सुंदरी कौवे सुन लेती है। वाह 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 कालू जी, क्या खेल खेला है आपने मेरे साथ। पहले तो मेरे साथ प्यार का नाटक किया और तो और मेरे साथ शादी भी रचाई और अब कह रहे हैं कि मायके चली जाओ। हाँ सुंदरी, मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया था। अब मैं तुम्हें और झेल नहीं सकता। तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। क्यों रोज रोज माँ के ताने सुनती रहती हो? उससे अच्छा तो तुम मायके चली जाओ और आराम से अपने मायके में रहो। कालू, ये तू कैसी बातें कर रहा है? क्या मैंने तुझे ऐसी परवरिश दी है? अगर तेरी जबान से बहू को छोड़ने की बात भी आई तो मैं तुझे मार डालूंगी। कालू, क्या तू जानता है जब एक कौवी बिहा कर अपने ससुराल आती है तो वो किसके भरोसे पर आती है? वो अपने पति के भरोसे ही आती है ससुराल, और तू बहू का भरोसा तोड़ रहा है। मेरा कालू तो ऐसा नहीं था। प्लीज माँ, हम दोनों के बीच में आप मत ही बोलिए। मैंने सुंदरी से अलग होने का फैसला कर लिया है माँ। मैं भी देखती हूँ कालू कि तू बहू से कैसे अलग होता है। और तू क्या कह रहा था कालू कि हर रोज माँ के ताने सुनने से अच्छा तुम मायके चली जा। ये कैसी बात हुई कालू? हर रोज बहू को ताने मैं मारती हूँ, तुझे तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए ना कि तेरी पत्नी पर। बहू, मैं जानती हूँ कालू की बातों से तेरा मन बहुत दुखा है। इसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बहू। तू इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे बहू। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तू चिंता मत कर बहू, अभी मैं जिंदा हूँ। मैं भी देखती हूँ कि कालू मेरी बहू से कैसे अलग होता है। कालू, मैं तुझे आज एक सच्चाई बताती हूँ। मेरी बहू सोना है सोना। अगर कोई और होती तो मेरे ताने सुनकर मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देती, मगर इसने ऐसा नहीं किया कालू। इससे ही पता चलता है कि मेरी बहू सोना है सोना। मैं मानती हूँ कालू कि ये मुझे उल्टा जवाब देती है, मगर मैं भी इसे ताने वैसे ही मारती हूँ कालू। बहू अपनी जगह पर सही है कालू। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर सुंदरी कौवे के आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुंदरी कौवे मन ही मन सोचने लगती है। मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है, मैंने मेरे सपने में भी नहीं सोचा था। अपने बेटे के खिलाफ जाकर माँ जी मेरी तरफ से कालू जी से लड़ रही है। मैं ही एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। मेरी माँ भी तो मुझे ताने मारती थी, और एक सास भी तो एक माँ ही होती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मेरी माँ जैसी सासू माँ को मैंने उल्टे सीधे जवाब दे दिए और कालू जी को ये भी बोल दिया कि वो अपनी माँ से दूर हो जाए। इतना अच्छा परिवार मिला है मुझे, और मैं उसी परिवार को तोड़ने जा रही थी। कालू, मैं एक अच्छी सास नहीं बन पा रही हूँ। तुम मेरे लिए ही अपनी पत्नी से अलग हो रहा है ना? तो ऐसा मत कर कालू, मैं ही तुम दोनों से अलग हो जाती हूँ। मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। मेरी वजह से तुम दोनों अलग मत होना कालू। नहीं माँ जी, आप हम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आप हमारे साथ ही रहेगी।
माँ जैसी सासू माँ को मैं खोना नहीं चाहती। मैंने आपसे बहुत उल्टे सीधे बातें की है माँ जी, आप प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा आपके साथ उल्टी सीधी और बदतमीजी से बातें कभी नहीं करूंगी माँ जी, कभी नहीं करूंगी। कालू जी, मैंने आपसे जो भी कहा था प्लीज वो सारी बातें आप भूल जाइए। कालू जी, मैं इस घर में कभी भी लड़ाई नहीं करूंगी, ना ही माँ की चुगली आपसे करूंगी, ना ही मैं माँ जी को उल्टा जवाब दूंगी, ना ही उनसे अलग होंगी। आप प्लीज मुझे छोड़ने की बात मत कीजिए कालू जी, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। फिर क्या था, कालू सुंदरी गले लग जाते हैं। कालू कौवा खुश होकर मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, ये टेढ़ी कौवियाँ सीधी हो गई, ये सब चिड़िया की वजह से ही हुआ है। अगर वो चिड़िया मुझे उपाय नहीं बताती तो ना जाने आज मेरा क्या होता। मैंने तो सोच लिया था कि इन दोनों की वजह से आज मैं सन्यासी हो जाऊंगा, बाल बाल बच गया मैं सन्यासी होने से। इस तरह से कालू, कालू की माँ और सुंदरी कवि अपने जीवन में हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। पुराने व्यूअर्स है तो हमारे चैनल के बेल बटन को ऑन कीजिए, और नए व्यूअर्स है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।